नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरों से, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं लगातार आने वाली खबरें जो जुड़ी है पहली खबर रवि किशन से। रवि किशन का भोजपुरी इंडस्ट्री से हमेशा से बड़ा मजबूत जुड़ाव रहा है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में रवि ने बताया है कि वो भोजपुरी फिल्मों की इमेज को बदल देंगे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से फिल्में बनाना शुरू की हैं, जिसमें से एक फिल्म आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। इस फिल्म का नाम है सन की दरोगा, बेरी कंगना 2 और ऐसी और भी कई सारी फिल्में जो काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक के साथ साथ संदेशापरक फिल्में भी हैं। तो रवि किशन ने जिस तरह से ये बयान रखा है, अपना ये बात रखी है कि वो बाकी के इमेज को बदल के रख देंगे, जो भी अश्लीलता या जो भी एक शब्द में बांध के इंडस्ट्री को रख दिया जाता है, उस इमेज को बदल देंगे रवि किशन, ऐसा उनका कहना है। तो कितने सफल हो पाते हैं, हमारी कामना है उनके साथ, हमारा साथ है उनके साथ, वो ऐसे ही बढ़ते रहें और इंडस्ट्री की इमेज को चेंज करें। इससे बड़ी खुशखबरी और नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंडस्ट्री के मेगा स्टार हैं और अभी तक उनका साथ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा ही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो काजल राघवानी और खेसारी लाल से जुड़ी हुई है। हाल ही में काजल राघवानी और खेसारी लाल ने नागदेव के सेट पर अभी एक गाना शूट किया है। मुंबई में बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच भी दोनों शूटिंग का खूब लुफ्त उठा रहे हैं। हाल ही में फिल्म के सेट पर एक का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया क्रू मेंबर का। और हमारे भोजपुरी फिल्म के पीआर हमेशा इनके फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय जी की, जो हमेशा खेसारी के साथ किसी इवेंट पार्टी में नजर आ ही जाते हैं, चाहे वो खेसारी के घर का हो चाहे वो खेसारी के फिल्म के सेट का। संजय भूषण पटियाला खेसारी के साथ नजर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये दोस्ती काफी पुरानी है और यूं ही चलती रहे, ये भी हमारी कामना है। खैर, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो रानी चटर्जी से जुड़ी हुई है। रानी चटर्जी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जीरो बनल हीरो, जिसकी शूटिंग ताजमहल में बीते दिन पहले की गई है। अभी तक आप लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म जीरो का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन भोजपुरी में बनने जा रही है जीरो बनल हीरो और रानी चटर्जी इस फिल्म में लीड रोल में हैं। लेकिन रानी चटर्जी के साथ इस फिल्म में कौन होगा, इस फिल्म को बना कौन रहा है और कौन है तकनीशियन इस फिल्म के, कैसी होगी फिल्म की कहानी, इससे जुड़ी भी खबर हम आपको दिखाएंगे आगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो गार्गी पंडित से जुड़ी हुई है। गार्गी पंडित जब से विवादों को लेकर सुर्खियों में आई हैं, तब से थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुंबई की पहली बारिश में गार्गी पंडित का भीगना उनको बहुत फायदेमंद साबित कर गया है। आमतौर पर लोग भीग कर बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वो भीगने के बाद और फेमस होती जा रही है। दरअसल मुंबई की पहली बारिश में नहाते हुए गार्गी पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। तो मुंबई की इस बारिश में भीगती हुई खूबसूरत लड़की का ये वीडियो पर कुछ दर्शकों ने कमेंट किए हैं और कितना पसंद आई है दर्शकों को ये वीडियो, इससे जुड़ी भी खबर हम आपको दिखाएंगे आगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं आखिरी खबर जो यश कुमार मिश्रा से जुड़ी हुई है। यश कुमार मिश्रा अपने गानों को लेकर काफी ज्यादा चलन में है। नए नए गाने आजकल वो अपने दर्शकों के लिए अपने ही ऑफिशियल चैनल से रिलीज करते हैं। लेकिन फिलहाल यश कुमार की फिल्म मेरी बिटिया भी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी गुजरात में, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। जो फिल्म की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है, यानी ये फिल्म बनकर अब तैयार है और पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में अभी चल रही है। तो उम्मीद है जल्दी फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी खबरें हमने आपको बताई हैं, वो विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन इन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस से बनाई हुई फिल्मों को लेकर खास हाल चर्चित हैं, क्योंकि एक तरफ जहां रवि किशन अपने अलग अलग फिल्मों की शूटिंग को करने में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रवि ने अपने प्रोडक्शन हाउस से ऐसे ऐसे फिल्मों के निर्माण के बारे में सोचा है जिससे दर्शकों को कुछ संदेश मिले और फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हाल ही में रवि किशन के प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म सन की दरोगा का टीजर देखने के बाद सभी ने रवि की खूब
तारीफें की, जिससे रवि को हौसला मिला है। और अपने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में रवि ने इस बात का खुलासा किया है कि वो जल्द ही अपने प्रोडक्शन हाउस से एक और अच्छी फिल्म लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही इन दिनों रवि किशन हैदर पंडित की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमे वो भाईचारे का संदेश देंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि रवि किशन का ये हौसला इंडस्ट्री में कुछ रंग ला पाता है या नहीं, या फिर रवि किशन ने जो इंडस्ट्री को लेकर निर्णय लिया है कि फिल्मों की इमेज को वो बदल कर रखेंगे, क्या इस पर रवि खरे उतर पाते हैं या नहीं। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी खेसारी काजल इन दिनों अपनी फिल्म नागदेव के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग कर रही है, जहां से कई सारी तस्वीरें हाल ही में देखने को मिली, तो वहीं शूटिंग के समय की वीडियो भी देखने को मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेसारी लाल इन दिनों मुंबई में काजल के साथ अपनी फिल्म नागदेव के सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ फिल्म के सेट पर काजल और खेसारी ने मिलकर फिल्म के क्रू मेंबर का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और कई खूब सारे फोटोशूट भी किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान काजल फिल्म के सेट पर गुजराती बोलती नजर आईं। दोनों एक साथ रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी इन दोनों की केमिस्ट्री कुछ कम नहीं है। हाल ही में खेसारी काजल फिल्म के सेट पर एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और काजल के हंसने से खेसारी के चेहरे पर भी बार बार स्माइल आती देखी गई। इस ईद किंग खान यानी शाहरुख खान और भाईजान यानी सलमान खान की जोड़ी वाली फिल्म जीरो का टीजर आउट हुआ था। इसके बाद अब भोजपुरी में भी जीरो के कॉन्सेप्ट पर बन रही फिल्म जीरो बनल हीरो की शूटिंग 2 जुलाई से आगरा में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। चौंकिए मत, इस फिल्म में नजर आने वाले रजनीकांत बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं। उनके अपोजिट भोजपुरिया क्वीन रानी चटर्जी को कास्ट किया गया है। रानी चटर्जी इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित है। फिल्म के लेखक मनोज पांडे की कहानी रानी को बहुत पसंद आई, जिसके बाद रानी ने फिल्म को साइन किया। इस बारे में निर्माता सत्येंद्र शुक्ला, चंद्रकांत शुक्ला और निर्देशक दीपक त्रिपाठी का कहना है कि रानी चटर्जी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अदाकाराओं में से एक हैं, जिनका जलवा आज भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलता है। हमें लगता है कि रजनीकांत के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब जमेगी, इसलिए वो हमारी फिल्म में हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो से काफी अलग है हमारी फिल्म जीरो बनल हीरो। इसमें भोजपुरिया दर्शकों को खूब मजा आने वाला है। बता दें कि इस फिल्म में जीरो बनल हीरो के निर्माता सत्येंद्र शुक्ला, चंद्रकांत शुक्ला हैं और निर्देशक दीपक त्रिपाठी हैं। फिल्म की मुख्य भूमिका में रानी चटर्जी, रजनीकांत, आदित्य मोहन, संजय पांडे नजर आएंगे। इसके साथ ही ग्लोरी मोहंता का आइटम डांस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिल्म के संगीतकार धनंजय मिश्रा हैं और गीतकार प्यारे लाल यादव। भोजपुरी सिनेमा में एक्ट्रेस गार्गी पंडित उर्फ प्रियंका पंडित की खास जगह है। उन्हें बेबी डॉल कहा जाता है। हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डांस कर रही हैं। ये काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि गार्गी पंडित हाल ही में अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म आवारा बल्लम में नजर आई थी। गार्गी पंडित ने मुंबई की बारिश में भीगते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो फिल्म किल दिल के गाने में भीग रही है और वो भी बारिश में, और आग लगा रही हैं पानी में, पर डांस कर रही हैं। गार्गी पंडित ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है नो कैप्शन, मुंबई रेन खुश रहो शूटिंग दे। ये प्रियंका की शूटिंग के साथ साथ की गई मस्ती है। उनके रेन डांस का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गार्गी पंडित भोजपुरी की सुपरस्टार रानी चटर्जी और अंजुना सिंह की अगली फिल्म चोर मचाए शोर में भी नजर आएंगी। चोर मचाए शोर में रानी चटर्जी और सदाबहार अभिनेता कुणाल सिंह के बेटे आकाश सिंह यादव हैं और उनके साथ अंजुना भी दिखाई देने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में गार्गी पंडित को पर्दे पर देखने के लिए फैन उत्सुक हैं, क्योंकि बीते दिनों से वो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी बनी हुई हैं। बॉलीवुड से भोजपुरी सिनेमा तक अपने डांस मूव्स पर लोगों को नचा चुके उधारी बाबू की भोजपुरी फिल्म मेरी बिटिया की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म मेरी बिटिया की शूटिंग गुजरात के संजान स्टूडियो में चल रही थी, जिसमें उधारी बाबू अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस बेहतरीन फिल्म में उनके अपोजिट प्रीति सिंह नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश बलिया में आने वाले उधारी बाबू को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। ये फिल्म बेटियों के महत्व और वर्तमान दौर में उनकी हर क्षेत्र में उड़ान को समर्पित है। हालांकि एक्शन करते वो इसमें दिखाई देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म में उनकी भूमिका काफी सख्त और प्रभावशाली है। खुद फिल्म के निर्देशक सुजीत वर्मा ने कहा है
कि फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की है इन्होंने, जो उम्मीद से कई ज्यादा है। बता दें कि इससे पहले भी उधारी बाबू भोजपुरी फिल्म बलिया के दबंगई में मुख्य किरदार कर चुके हैं, जिससे प्रभावित होकर भोजपुरी सिनेमा में युवाओं के बीच लोकप्रिय अभिनेता यश कुमार ने उन्हें फिल्म मेरी बिटिया का ऑफर दिया। वैसे तो यश कुमार भी इस फिल्म में नजर आ रही है, लेकिन उनका किरदार फिल्म में पिता का है। उनकी माने तो उधारी बाबू काफी नेक दिल इंसान है, उनके साथ काम करने में मजा आया। फिल्म से गाने से लेकर डायलॉग तक बेहतरीन है और मेरे दिल के करीब है। बता दें कि दीपक शाह निर्मित इस फिल्म को सुजीत वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि इस तरह के सब्जेक्ट पर बनने वाली भोजपुरी की ये पहली फिल्म है, जिसके प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं। फिल्म में उधारी बाबू और यश कुमार मिश्रा के अलावा प्रीति सिंह, वर्षा तिवारी, अमित मिश्रा और अनूप अरोड़ा हैं। इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें जो हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारी जरूर मिली होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।